गुड मॉर्निंग मॉर्निंग चैम्स, हाउ इज़ यू ऑल? आई होप सो ऑल आर वेरी गुड एंड एंजॉइंग योर स्टडी वेरी वेल और ऑल्सो इंक्रीजिंग योर नॉलेज एंड इंटेलिजेंस. डियर स्टूडेंट, टुडे हियर आई एम गोइंग टू टीच यू योर चैप्टर 4 कम्युनिकेशन पार्ट 8. ओके डियर स्टूडेंट, मस्ट वॉच दिस वीडियो एंड कलेक्ट ऑल द मेमोरीज रिलेटेड टू दिस चैप्टर लाइक 1 to 7 पार्ट ऑल्सो. एंड दिस इज योर लास्ट पार्ट, सो मस्ट वॉच दिस वीडियो एंड अंडरस्टैंड केयरफुली वॉट इज communication. Okay dear student, today here I take one topic related to your communication. This is the means of communication. What is this topic? Let's start and watch carefully. This is your topic, satellites. Okay dear student, must watch. This is topic, satellites. What is the means of satellites? Satellites ko bachcho hum hindi mein kehte hain upgrah. Okay dear students, satellites can be natural or man made. Bachcho hum samajhte hain satellites ko hum kya kehte hain, उपग्रह कहते हैं. ओके, और उपग्रह जो है वो मैन मेड, इट मीन्स दैट मानव द्वारा बनाए गए, और नेचुरल, नेचुरल इट मीन्स दैट प्राकृतिक भी होते हैं. ओके, दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? उपग्रह प्राकृतिक या मानव मोड दोनों होते हैं. अब नेक्स्ट लाइन को हम देखते हैं, दे हेल्प इन कम्युनिकेशन. ये हमें क्या करते हैं? वे हमें संचार में मदद करते हैं. एक ध्यान देंगे, सैटेलाइट जो हैं वो आपसे पूछा जाएगा, नेचुरल एंड मैन मेड दोनों होते हैं, और ये हमें कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं, संचार में मदद करते हैं. ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट लाइन को कंटिन्यू करते हैं, दे आर आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट प्लेस इन एनी ऑर्बिट. बच्चों, ऑर्बिट आप जानते हैं ना, अर्थ का अपना ऑर्बिट होता है. यहाँ अर्थ है, उनकी अपनी कक्षाएँ होती हैं. ओके, इसी को हम ऑर्बिट कहते हैं. ऑर्बिट को हिंदी में हम कक्षा कहते हैं. बच्चों, अर्थ के ऑर्बिट में कृत्रिम, कृत्रिम मीन्स क्या होता है? आर्टिफिशियल. आर्टिफिशियल को हम कृत्रिम कहते हैं, जिसे हैंडमेड द्वारा बनाया गया है, मनुष्य द्वारा बनाया गया है. जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, सेटेलाइट को स्थित किया गया है. ओके डियर स्टूडेंट, ये किसी भी कक्षा में रखे गए कृत्रिम वस्तुएँ हैं, जिसे संचार की मदद के लिए भेजा गया है. In 1957, world first artificial satellite Sputnik I was launched by Soviet Union. Dear student, lines को देखेंगे, क्या बता रहा है कि सोवियत संघ द्वारा लॉन्च किया गया था. क्या लॉन्च किया गया था? फर्स्ट आर्टिफिशियल सेटेलाइट. ओके डियर स्टूडेंट, 1957 में दुनिया का सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह. कृत्रिम इसलिए बोलेंगे बच्चों, क्योंकि उपग्रह तो बहुत हैं जो आपके यूनिवर्सल में हैं, लेकिन एक जो आर्टिफिशियल, इट मीन्स दैट आर्टिफिशियल मीन्स क्या होता है? कृत्रिम, जो मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह होते हैं, उसको हम आर्टिफिशियल कहते हैं. ओके डियर स्टूडेंट, तो लाइन को ध्यान देंगे कि सोवियत संघ द्वारा पहला लॉन्च किया गया कृत्रिम उपग्रह, जिसका क्या नाम था? स्पुटनिक. ठीक है, स्पुटनिक को सोवियत संघ द्वारा लॉन्च किया गया था. दिस इज़ योर फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुटनिक. ओके, लॉन्च्ड बाय सोवियत यूनियन. सोवियत यूनियन द्वारा 1957 में दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह लॉन्च किया गया था. ओके डियर स्टूडेंट, फिर आगे की लाइंस को देखते हैं. ओके डियर स्टूडेंट, देन About 6,000 satellites from more than 40 countries and have been launched with the help of launch vehicle, a rocket that throw a satellite into the orbit. Dear student, आपको बता दिया जाता है कि तब से 40 से अधिक, यहाँ पे बताया गया जा रहा है ना, 40. ओके, 40 से अधिक countries में लगभग 6,000, it means that 6,000 उपग्रह को एक प्रक्षेपण यान, इट मीन्स दैट सेटेलाइट को भेजा गया था. किसके द्वारा भेजा गया था? व्हीकल्स के द्वारा भेजा गया था. ओके, कैसे भेजा गया था? तब से 40 से अधिक देशों के लगभग 6,000 उपग्रहों को एक प्रक्षेपण यान के मदद से प्रक्षेपित किया गया था, जो एक उपग्रह को एक कक्षा में रखता है. ओके डियर स्टूडेंट, 40 से ज़्यादा सैटेलाइट्स को रॉकेट की हेल्प से उनके अर्थ की कक्षा में सेंड किया गया था. उसके बाद से पहला आपका 1957 में भेजा गया था सैटेलाइट्स को, और उसके बाद से 40 देशों ने 6,000 से ज़्यादा
सैटेलाइट्स को भेजा है, कहाँ पे भेजा है, यूनिवर्सल में, ओके, उनके ऑर्बिट पे लॉन्च किया है। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पढ़ेंगे, क्या नेक्स्ट पढ़ेंगे, सैटेलाइट्स आर यूज फॉर मेनी पर्पज़। अब आपको पता है कि सैटेलाइट्स को हम भेज रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए, मदद कर रहे हैं, तो किस किस तरीके से सैटेलाइट्स जो है मदद करता है, चलिए हम आगे देखते हैं। अपने टेक्स्ट पे ध्यान देंगे आप, यूज्ड ऑफ मेनी पर्पज़, पर्पज़ मीन्स बेटा होता है उद्देश्य। ओके डियर स्टूडेंट, मेनी पर्पज़ के साथ यहाँ पे सैटेलाइट्स का उपयोग किया जाता है। पहला आप ध्यान देंगे सैटेलाइट्स क्या काम करता है, ऑब्जर्विंग अर्थ फॉर मिलिट्री एंड सिविल रीजन। डियर स्टूडेंट, सिविल रीजन मीन्स होता है आपका नागरिक कारण। ओके, नागरिक कारण, जैसे हम लोग अर्थ पे हैं और हम बहुत सारे इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हैं एंड बहुत सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं ऐसा नेट के माध्यम से, ये कैसे पॉसिबल है, बिकॉज ऑफ सैटेलाइट, बिकॉज दे आर द हेल्प टू, क्या करता है वे, संचार में हमारी मदद करते हैं। कौन, सैटेलाइट, तो किस तरीके से मदद करते हैं और मिलिट्री को कैसे मदद करते हैं, तो ध्यान देंगे ऑब्जर्विंग अर्थ फॉर मिलिट्री एंड सिविलियन रीजन। डियर स्टूडेंट, सैन्य और नागरिक कारणों से पृथ्वी का अवलोकन करना, ऑब्जर्व करना, इट मीन दैट आप किसी भी प्रकार से सैटेलाइट्स की हेल्प से सारे इंफॉर्मेशन को अर्थ से और सैन रिलेटेड एंड नागरिक के लिए हम कलेक्ट करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, सैन इट मीन दैट योर आर्मी फोर्स के ज़रूरत के हिसाब से हम सैटेलाइट की हेल्प ले सकते हैं और अवलोकन कर सकते हैं। फॉर कम्युनिकेशन, सेकेंड आपका क्या है, कम्युनिकेशन, ओके, संचार के लिए भी हम यूज़ करते हैं। और क्या है, प्रिडिक्टिंग वेदर एंड कंडीशन, हम संचार के लिए मौसम की स्थिति की भविष्यवाणी के लिए भी यूज़ करते हैं। सैटेलाइट क्या काम करता है, मौसम की, यहाँ पे क्या होता है, प्रिडिक्टिंग मीन्स होता है भविष्यवाणी। ओके डियर स्टूडेंट, संचार के लिए हम काम करते हैं सैटेलाइट का, और ये मौसम की भविष्यवाणी के लिए मददगार हैं। अंडरस्टैंडिंग द स्पेस एंड द हेवनली बॉडीज, आपको पता है ना कि हमारी यूनिवर्सल में बहुत सारे हेवनली बॉडीज हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्लैनेट कहते हैं, एंड ये क्या करता है, अंतरिक्ष और उनके हेवनली बॉडीज़ को समझने के लिए भी हम यहाँ पे सैटेलाइट्स का यूज़ देखते हैं। और नेक्स्ट क्या यूज़ होता है सैटेलाइट का, फाइंडिंग द एक्सल लोकेशन एंड प्लेस विद द हेल्प ऑफ GPS। और GPS जो आप जानते हैं, हमारा जो आपका एड्रेस है वो किस तरीके से प्राप्त होता है, ये GPS की मदद करता है उसके स्थान को, सटीक स्थान को ढूंढने के लिए। ओके डियर स्टूडेंट, समझ में आ गया ना किस किस तरीके से हम सैटेलाइट का यूज़ करते हैं ये अवलोकन करने के लिए, नागरिक और सैन्य व्यवस्था के अवलोकन करने के लिए, कम्युनिकेशन संचार के लिए, वेदर की भविष्यवाणी के लिए, स्पेस एंड हेवनली बॉडीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए, और हमारे लोकेशंस को, एग्जैक्ट प्लेस को हेल्प करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ये काफ़ी रीज़न से यूज़ किया जाता है, इसलिए आपके सैटेलाइट्स को आपके यूनिवर्सल में ऑर्बिट पे छोड़ा गया है। ओके डियर स्टूडेंट, ये हमें कम्युनिकेशन में इस प्रकार से हेल्प करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट लास्ट स्टैंजा को देख लेते हैं। ओके, व्हाट इज दैट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्रिएट अ कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर और डिफरेंट प्लेस ऑन द अर्थ। डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि संचार उपग्रहों के बीच में एक संचार चैनल बनाते हैं। ओके, एक चैनल बन जाता है, और क्या होता है, ये ट्रांसमीटर और पृथ्वी पर विभिन्न पट्टियों को रिसीव करते हैं। बहुत सारे ट्रांसमीटर लगे होते हैं जो कम्युनिकेशंस में हेल्प करते हैं सैटेलाइट्स के ज़रिए। ओके डियर स्टूडेंट, दे आर यूज्ड फॉर टेलीविज़न, देखिए किन किन कारणों से यूज़ किया जाता है, दे आर यूज्ड फॉर टेलीविज़न, टेलीफोन, रेडियो एंड इंटरनेट। इनका उपयोग हम लोग किस किस चीज़ों में करते हैं, टेलीविज़न, टेलीफोन, रेडियो एंड इंटरनेट में हम इनका उपयोग करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम ध्यान देंगे लाइन को, वी आर एबल टू वॉच द लाइव शो एंड अदर प्रोग्राम ऑन द टेलीविज़न हैपनिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट, आप देखेंगे कहीं पर भी कोई लाइव परफॉर्मेंस होते हैं तो हम उनको आसानी से देख लेते हैं एक स्थान पे बैठकर भी। किस तरीके से पॉसिबल है ये पॉसिबल है दीज कम्युनिकेशन
सैटेलाइट। ओके डियर स्टूडेंट, हम इन संचार उपकरणों के कारण क्या करते हैं, दुनिया भर में कहीं पर भी हो रहे टीवी शो या अन्य कार्यक्रमों को अच्छे से सक्षम रूप से देख सकते हैं। ओके, दे हेल्प अस टू स्टे अपलोड एंड कनेक्टेड टू द वेरियस एक्टिविटीज़ गोइंग ऑन अक्रॉस द ग्लोब। बच्चों, हमें ये दुनिया में भर में चल रही विभिन्न गतिविधियों और उनसे जुड़े अपडेट को अपडेट रहने में मदद करता है कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है आपको सारे इन्फॉर्मेशन सैटेलाइट के ज़रिए से कलेक्ट करके मिल जाती है। ओके, द वर्ल्ड नाउ सीम्स लाइक अ बिग फैमिली ड्यू टू द कम्युनिकेशन एडवांसमेंट। इस प्रकार से संचार के प्रगति के कारण अब दुनिया में एक बड़ा फैमिली बन गया है। किसका प्रकार का? कम्युनिकेशन का। ओके, हम एक दूसरे के टच में बहुत रहने लगे हैं, वो भी किस लिए पॉसिबल है? कम्युनिकेशन के द्वारा पॉसिबल है। किस तरीके से? बिकॉज ऑफ हेल्प टू सैटेलाइट। ओके डियर स्टूडेंट, आज का ये आपका टॉपिक ख़त्म होता है और आपका चैप्टर भी समाप्त होता है। चैप्टर समाप्त होने के बाद हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज को सॉल्व करने के पहले आज का आप होमवर्क जान लीजिए। आपका होमवर्क क्या है? आपको यूज़ ऑफ मेनी पर्पस, ओके, हाउ टू यूज सैटेलाइट इन मेनी पर्पस, आपको होमवर्क जो है राइट करना है और लर्न करना इन योर नोट्स। डियर स्टूडेंट, रिमेंबर दैट ऑल द पर्पस ऑफ यूजिंग सैटेलाइट आपको नोट्स में राइट करना है और लर्न करना है। यहाँ कितने पर्पस बताए गए हैं? यहाँ पे 5 पर्पस बताए गए हैं: ऑब्जर्विंग अर्थ फॉर मिलिट्री एंड सिविलियन रीजन, फॉर कम्युनिकेशन, प्रिडिक्टिंग वेदर कंडीशन, अंडरस्टैंडिंग द स्पेस एंड द हेवनली बॉडीज, एंड फाइंडिंग द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द प्लेस वेयर द हेल्प ऑफ GPS। इतना आपको राइट करना है और सारे इम्पॉर्टेंट की टर्म्स को लर्न करने हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे, ये आपका होमवर्क है। यूज ऑफ मेनी पर्पस, आपको इसको कॉपी में राइट करना है, राइट इन योर SST नोट्स एंड ऑल्सो लर्न इट। ओके डियर स्टूडेंट, बच्चों आज का चैप्टर आपका इसी तरीके से समाप्त होता है। आपके सारे वीडियोस Part 1 to 8 YouTube चैनल आपके मॉडर्न पब्लिक चैनल पे उपलब्ध हैं और अपने स्टडी को एंजॉय करेंगे और ऑनलाइन कक्षाओं का आनंद लेते हुए अपने नॉलेज को बढ़ाएंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट, एंजॉय योर वीडियो एंड टेक केयर।